वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखन वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। तो दर्शको, मैनू उम्मीद है परमात्मा वाहिगुरु की मेहर के नाल तुसी सारे अपने घरां दे विच बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। जरूरी विषयां दे उत्ते वख वख शख्सियतां नू लैके चर्चा करन दे लई, गलबात करन दे लई तुहाडे रूबरू जरूर होंने आ, तां जो जिहड़े जरूरी विषय ने जिहड़ी भी कोई भी शख्सियत उहदे संबंधी एक तो चिंता प्रकट करे, तो दूसरा उस संबंधी नॉलेज जरूर रखे, उस शख्सियत दे विचार असी तुहाडे तक पहुँचाने। तो एक अक्सर ही साढ़े नाल नौजवान वीर गलबात करते होंगे ने, कोई भी जरूरी विशा होवे, चाहे सिख संगत नू लैके होवे, सिख समाज नू लैके होवे, चाहे पूरे समाज दे लई हो, तो बहुत खुशी होंदी है इन्हां नौजवान वीर दे नाल गलबात करके। मैं पहला तुहानू इन्हां दे नाम मिलवा भी देनी आ, असी सारे जानते हैं इन्हां नू, सरदार कमलजीत सिंह जी अज साडे नाल गलबात करन दे लई मौजूद ने। वीर जी, सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा एक बाणी चैनल दे उत्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दूसरा, मैं एक बाणी चैनल दे वल्लों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ, क्योंकि असी देखिया अक्सर ही बहुत घट इंट्रस्ट देंदी है साडी नौजवान पीढ़ी, है ना, कि चाहे साडा समाज किधर नूं तुर रहा, साडे समय चिंता दे विषय की ने, किन्हां नूं लैके सानूं चिंतावां प्रगटाउणियां चाहीदियां ने। असी किसी होर पासियां नूं तुर रहे हां, लेकिन सही सानूं पता ही नहीं है कि किस ट्रैक ते जाणा, की साडी सोच है। लेकिन बड़ी खुशी महसूस हुंदी है, तुसी एक यूथ नूं रीप्रजेंट कर रहे हो, एक यूथ की सोचदा, ऐसा यूथ भी है साडे विचकार कि जिहड़े साडे चिंतावां नूं लैके चिंतित है, साडे जरूरी विषयां नूं लैके चिंतित है। इस समय विशा बहुत गंभीर चल रहा, कि आपां कह रहे हैं कि रेनोवेशन हो रही है, गां दी गां बिल्डिंग्स की अलग वख वख तरह की तरक्की की जा रही है, चाहे उन्होंने रेनोवेट करके कह लिए किसी भी तरीके, लेकिन रेनोवेशन का भी एक तरीका होंगे। गल की जाए जेकर अज साडा जरूरी विशा रहेगा जलियांवाला बाग, जलियांवाले बाग दे विच ओह दर्दनाक दास्तां बयान कर रही ने उहदियां कंधां। जदों आपां जलियांवाला बाग दे अंदर जांदे आ तां साडे बच्चे देखदे ने ओह गोलियां दे निशान, ओह खूह जिहदे विच मतलब निहत्थे बेकसूरे लोकां ने छालां मारियां, मतलब जलियांवाले बाग दी एक एक कंध चीक चीक के दस रही सी, हर एक दे दर्द नूं बयान कर रही सी कि उस समय आज़ादी तो पहलां साडे नाल की होया। और उही जलियांवाला बाग बयान करदा कि साडे वीरां ने उत्थे की साडे लई कीता, किन्नी साडे लई मतलब कि जो असी बोल के बयान भी नहीं कर सकते, वह दास्तावां उत्थे वापरियां ने। पर लेकिन इस समय की होया, और दी मुरम्मत की जा रही है, तो चिंता यह है कि तुसी की सोचते हो इस बारे दे विच, कि वो मुरम्मत की जा रही है या एक अजिहा टैक्नीक अपनाई जा रही है कि कल नूं कोई भी बच्चा उठ के ये ना पूछे कि इत्थे की होया सी, मतलब कित्थे आ वो थां कित्थे है जिथे सब होया सी, तां की इहनूं आपां की कहीए कि इतिहास नूं खत्म किया जा रहा। धन्यवाद भैन जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बड़ा अहम मुद्दा है, और जिले इस तो पहले असी एक हैरीटेज साड़ी जड़ी विरासत है, साड़ा जड़ा विरसा है, उदे उपर एक सीरीज स्टार्ट कीती सी, और तुहानू पता होना कि दरबार साहब कॉम्पलैक्स दे विच ओ थले पुरानी कंस्ट्रक्शन जिले निकली सी बार खुदाई दे दौरान, ते असी उस लई एक मुद्दा उठाया सी कि साड़े विरसे नूं बचाणा चाहीदा, और उसी सीरीज दे फॉलोअप विच असी अज ये डिबेट करन जा रहे हैं। बड़ा अहम मुद्दा है, मैनू नहीं लगता कोई ऐसा इतिहासकार होएगा जिहड़ा रोया ना होए जलियांवाला बाग दे रेनोवेशन उपर, इतिहास नूं मिटा दिता गया। और पंजाबी दा एक शेर है कि तुहाडी अखां दी लाली पई दसदी है कि रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हाँ। आने वाली पीढ़ी नूं साडे कोल अज दसन जोगा कुछ नहीं कि जलियांवाला बाग दे विच 1919 विसाखी दे तिहाड़े 1000 तो उपर जाना कुरबान होईयां सन एक आज़ादी का सपना लैके, जिले जनरल डायर ने उन्होंने गोली का ऐलान कर दिता, गोली चलाने का, और उस इतिहास के जोड़े अवशेष जलियांवाला बाग में मौजूद सके, अज की सरकार ने रेनोवेशन के नाते वो सारे खत्म कर दते। जलियांवाला बाग जिन्ना ही इतिहासिक है उन्ना ही वो पवित्र है, उत्थे लोग घूमन नहीं जाते सन, उत्थे लोग शहीदों नमन करन लई जाते सन। जिस गलियारे चों लंघ के जनरल डायर अपनी फौज लैके या अपनी फोर्स लैके लंघिया सी, जिस गली विचों जो नानकशाही इट्टां दी बनी सी, जिस गलियां दी जिहड़ी बारियां सीगियां वह भी पुराने समय दियां सीगियां, उन्हों हटा के उन्हों खत्म करके उसते पुतले लगा दिते गए। अज तुसी उस गली विचों लंघोगे तुसी नहीं दस सकदे कि
ਇਹੋ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਖੂਨੀ ਖੂਹ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪੂਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਖੋਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਭੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਭੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਡਨਸ ਲੱਭਣਗੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੱਭੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ 'ਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀਓ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਨਾਵਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਨਰਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਸਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਓ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵਰੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਸੁਗੰਧ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਨਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਉ, ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਯਾਦਗਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਬਟ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸਕਰ ਹੋਇਆ,
उस थान नूं तुसीं अगर बदलन जा रहे हो, बदलाव होंदे रहे जलियांवाला बाग दे, पिछले 102 साल हो गए दे जलियांवाला बाग मैसेकर नूं, 102 सालां विच कई वार बदलाव होए, बट जो जलियांवाला बाग दी यादगार है, जो दीवार है, जो खूनी खूह है, जो वह गलियारा है या जिस एली विचों लग के जाते हैं, उन्हों कोई चेंजिज़ नहीं लियाईया गई, क्योंकि वह याद सी, वह दसदी सी कि इत्थे शहादत दिती है लोगों ने, इत्थे लोग कट्ठे होए सन विसाखी दे दिन रोलट एक्ट के खिलाफ, जिहड़ा रोलट एक्ट अंग्रेज़ों ने लागू किया सी कि किसी नूं भी किसी सैक्शन के बगैर ही चुक लिया जाएगा, कोई उसके उपर कानूनी कार्रवाई, वो कोर्ट भी नहीं जा सकता, उसते कोई भी इल्जाम लगा के, उस सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ, सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ रोलट एक्ट लागू किया सी अंग्रेज़ों ने। तो उत्थे एक जलियांवाला बाग दे विच 1919 दे विच विसाखी दे दिन सारे कट्ठे होए सन, तो यह साडा एक इतिहास है। और अज दे दौर विच मैं कहांगा कि अगर अज साडी आने वाली पीढ़ी जाएगी, वो साडे कोल सवाल पूछेगी कि जलियांवाला बाग जिहड़ा है वो अज जिहड़ा है वो जी, वो साढ़े को इतिहास पूछेगी कि तुसी क्या करते रहे हो जिले जलियांवाला बाग के इतिहास को खत्म कर दिता गया जी। और वो शायद साढ़े को उदा कोई जवाब नहीं होएगा जी, क्योंकि सानू शायद पता भी नहीं चल सकिया कि असी आवाज़ भी नहीं उठ सके। वो जलियांवाला बाग बदलाव पूरा उन्होंने चेंज करके इतिहास को मिटा के जी। देखो तुसी देखो भैन जी, सब तो बड़ा कतलो गारत हुई है ज्यूज की ऑस्टविच के पोलैंड जी, हिटलर ने की हूँ। वो अगर तुम जगह जाओ ऑस्टविच कैंप जाओ तो वह उसी तरह का, उसके कमरे जिथे ज्यूज नूं रख्या गया सी, जिथे उन्हां दा कतलोगारत हुई सी, जिन्हां गैस चेंबर्स विच उन्हां नूं पाया गया सी, वो सारी जगह उस तरह ही है। तियानमिन स्केयर जिहड़ा है लंडन दे विच, वो तियानमिन स्केयर नूं उसी तरह उन्होंने रख्या होया, उहदे विच बदलाव नहीं किया। तुसीं दुनिया की जिहड़ी मर्जी यादगार उठा लो, उस यादगार नूं उसी तरह रख्या गया है, क्योंकि वो टैक्सचर इतिहास का, उस जगह की एक हैरीटेज वैल्यू, उसकी कंधा नूं तुसी हाथ ला के इतिहास नूं महसूस कर सकते हो, वो उसी तरह उन्होंने कायम की। और इस तो ज़्यादा पुरानिया ने, 200-300 साल वरे वो पुरानिया जगहां ने उन्होंने उसी तरह संभाल के रखा होया है। तुसी यूरोप चले जाओ, पुराने किले उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। सिर्फ जलियांवाला बाग एक आइसोलेटेड जगह नहीं है, और कई थावां ने जिदा इतिहास इन्होंने ख़त्म कर दिता। और अज मैनू नहीं लगता कोई ऐसा हिस्टोरीयन होएगा जिसने लिख के इस चीज़ नूं कंडेम ना किया होवे कि ये बहुत वड्डी डिससर्विस है, बहुत वड्डी डिसरिस्पैक्ट है जलियांवाला बाग की, जिहड़ी लार्जेस्ट ट्रैजेडी हुई सी, जिहड़े मैनूं लगता नहीं है इस देश च कोई ऐसा होएगा जिन्हों जलियांवाला बाग के बारे पता ना होवे, या जिहड़ा जलियांवाला बाग गया ना होवे, वो अज जाएगा उसनूं जलियांवाला बाग नहीं लभेगा। उन्होंने उस यादगार नूं ढा के उत्थे एक टूरिस्ट स्पॉट बना छड़ा है, तो जिथे जाके असी शहीदां नूं नमन करदे सी उत्थे अज लेजर लाइट दस्या जाएगा। ये बड़ी दुख की गल है। बिल्कुल, बहुत वधिया जिस तरह दे नाल तुसी विचार सांझे कीते ना, तो बिल्कुल साफ जाहिर हुंदा कि दर्द है। मतलब जिन्ने भी साडे वीर ने, जिन्ने भी साडे समाज दे विच रहिंदा होया साडा नौजवान है, उसनू पता है मेरा इतिहास की है, और उसनू वह इस समय यह भी चिंता रखता है कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी नू की दसना, मेरे तक तो खत्म है जिहड़ी हुण असी जनरेशन है, साडे ताईं ते बिल्कुल खत्म करन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने ना, पर हुण आवाज़ तो चुक सकदे आ ना। वीर जी सामने आए, सरदार कमलजीत सिंह जी सामने आए, क्योंकि ये हमेशा ही असी एक सैशन के दौरान पहला जदों आप देखिया सीगा कि किसी भी हैरीटेज नू साडे खत्म करन दी कोशिश कीती जांदी है, तां हमेशा इस मुद्दे नू ये चुकदे ने, अपना फर्ज समझते हैं, तो कि समाज में रेंदे हुए साडा आपस का एक एक इंसान का फर्ज नहीं बनता। जलियांवाला बाग है, सानू पता 1919 दे विच विसाखी वाले दिन उसनू कहिंदे ने कि वो इन्ना वड्डा जिन्हों खूनी खूह कहा जाता है कि निहत्थे बेकसूरे लोगों ने वो छाला मारिया, उन्होंने भी पता सी भी इधर भी मौत है तो पिछे भी मौत है, तो असी तो मैनू नहीं लगता कि साढ़े अंदर कोई जमीर है जेकर असी इस गल के बारे में बोलते नहीं या सोचते नहीं। तो वीर जी, मैं इकबाणी चैनल के वालों आप जी का फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और असी परमात्मा वाहगुरु में यही अरदास करांगे कि इन्नी कु तुहानू बल बुद्धि बख्शते रहन वाहगुरु जी, कि तुसी इन्ना जिन्ने भी साडे मुद्दे ने जिहड़ियां समाज नूं लैके चिंतावां ने उन्होंने लैके हमेशा चिंता प्रकट करते हुए अपने विचार जरूर साडे नाल सांझे करिया करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण वेला हो गया साडे बाणी चैनल के परिवार तो इजाजत लैन दा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।